नमस्कार दोस्तों, हमने सारी स्ट्रेटजीज कवर कर ली जो ऑप्शन चेन के लिए अवेलेबल है, मतलब न्यूट्रल बुलिश के लिए कौन सी अवेलेबल है, न्यूट्रल बीरिश ऑन वॉलिडिटी के लिए कौन सी अवेलेबल है, बीरिश मार्केट के लिए कौन कौन सी अवेलेबल है, बुलिश मार्केट के लिए कौन कौन सी अवेलेबल है, मतलब कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है, नीचे जाता है तो कौन सी स्ट्रेटजीज लगानी है, और अगर रेंज बाउंड रहता है तो कौन सी स्ट्रेटजीज लगानी है, या फिर वॉलेटाइल रहता है तो कौन सी स्ट्रेटजीज लगानी है। तो इतनी सारी स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस कर ली। तो मैं सोच रहा था कि मैं इसका एक समरी वीडियो बनाऊं, बट उसके पहले मुझे बहुत सारे आइडियाज़ मेरे दिमाग में आने लगे कि हम इसके बारे में वीडियो बना सकते हैं, उसके बारे में वीडियो बना सकते हैं। तो मैं एक रफली एक लिस्ट तैयार किया हूं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि इस लिस्ट के से मुझे एक गाइडेंस मिलेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो यूट्यूब पे अच्छे से कवर नहीं किए गए। स्ट्रेटजी वाले पार्ट कवर किया गया बट उतना अच्छे से नहीं कवर किया गया था यूट्यूब पे किसी भी चैनल द्वारा, इसीलिए मैं उसको अच्छे से एक स्ट्रक्चर्ड वे में डिस्कस किया ताकि कोई भी उसको समझना चाहे तो ईजिली उस प्लेलिस्ट को देख के समझ सके। तो यहाँ पर तो मैं जो बताने वाला वो वीडियो आइडियाज़ मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ओर से ला सकता हूँ, बट अगर आपके दिमाग में भी कोई आइडियाज़ हो तो आपको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में उनको लिख के देना है, ताकि क्या है मैं इस आइडियाज़ लिस्ट में उसको ऐड कर पाऊँ और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। तो चलो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से आइडियाज़ मेरे दिमाग में आ रहे हैं। वेल, आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारी लिस्ट बना के रखी है, आई डोंट नो कि ये सभी आपके लिए यूज़फुल होंगे या नहीं होंगे, बट ठीक है, मैंने सोचा कि आप भी ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपके लिए ये सब यूज़फुल होना चाहिए। पहला आइडिया, तो जो भी NSE का डे एंड में जो रिपोर्ट अपलोड होता है उसको हम कैसे डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर पाए हमारी गूगल स्प्रेडशीट में। मैं एक्सेल शीट की बात नहीं कर रहा हूँ, गूगल स्प्रेडशीट। मैं क्यों गूगल स्प्रेडशीट की बात कर रहा हूँ, एक्सेल शीट की नहीं कर रहा हूँ? वेल, एक्सेल में भी आप कर सकते हैं, बट एक्सेल का एक ड्रॉबैक्स क्या है कि आपको फिर वो फाइल वहीं पर छोड़नी पड़ती है। अगर सपोज आप एक कंप्यूटर एक्सेस कर रहे हैं और उस कंप्यूटर में वो फाइल पड़ी हुई है, तो आपने वो VBA वाला प्रोग्राम रन किया, वो उस पर्टिकुलर फाइल में ही आएगा। फिर क्या, आप अगर कहीं बाहर गए और आपने फिर से किसी और का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक्सेस करने के लिए या तो फिर उसका गूगल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, और उसमें भी अभी VBA रन नहीं करता। तो इससे अच्छा तो ये है कि हम वो प्लेटफॉर्म चुने जिसमें ये सब चीज़ें हो सकती है, वो है गूगल स्प्रेडशीट। मतलब आप गूगल स्प्रेडशीट डायरेक्टली खोल के वहाँ पर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्टली उस स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। तो अगर आप गूगल अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड सबके पास होता है तो आप कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड रहें तो भी आप वो डेटा आराम से फेच कर पाए, ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, जस्ट वो कोड लिख के छोड़ देना है, बस वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट होता रहेगा। जब भी आपको एनालिसिस करने का मन करे, आप जब उसको ओपन कीजिए, ठीक है यार ये डेटा ये कह रहा है, ये डेटा ये कह रहा है, उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स है। आप सोचेंगे चलो ये इतना ईजी रहेगा, बिल्कुल नहीं ईजी रहेगा, क्योंकि आपने देखा रहेगा कि जो NSE रिपोर्ट अपलोड करता है वो CSV फॉर्म में भी करता है, XLX फॉर्म में भी करता है, ZIP रिपोर्ट भी करता है, और बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ में। तो अगेन वो थोड़ा अपने को स्ट्रगल फेस रहेगा और अपने को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। वेल, वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेकेंड आइडिया जो है, समरी ऑफ ऑल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। मैं अभी आपके सामने सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर लिया, तो क्यों ना मैं आपके सामने एक समरी डिस्कस करूं जिसमें 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो हो और आपको सारी स्ट्रैटेजी आराम से रिवाइज हो जाए और आपको सारों के ग्राफ पता चल जाए, ठीक है इसमें ऐसा ऐसा ग्राफ बनता है, इसमें ऐसा ऐसा ग्राफ बनता है, तो आप क्विक रिकैप कर पाएं। जब भी आपको स्ट्रैटेजी समझने का मन हो आप उस वीडियो को देखें और ऑल डन, ऐसी चीज। थर्ड चीज, फॉर्मेटिंग ऑफ एक्सेल ऑप्शन चेन डेटा। जब मैंने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था लाइव ऑप्शन चेन डेटा इनटू एक्सेल, तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि फॉर्मेटिंग के लिए आप क्यों उतना धीरे धीरे नहीं चलते। जो मैंने चीज़ें समझाई थी उसके लिए मैं धीरे धीरे आराम से समझा दिया, जो फॉर्मेटिंग वाला था वो मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके बता दिया अपने वीडियो में। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो फॉर्मेटिंग आप कर रहे हैं इसमें कैसे डेटा को कहाँ ले रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ समझाइए। वेल, वो भी समझा सकते हैं, तो उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, उसके बारे में एक वीडियो बनाओ, बट अगेन आपका ओपिनियन मैटर करता है। तो अगर आपको लगता है कि इसमें से कौन सा टॉपिक पहले आना चाहिए, आपको डेफिनेटली वो कमेंट सेक्शन में लिख के देना है, तो उसके बेसिस पे मैं वीडियो वो पहले बना दूंगा। वेल, अगर कुछ नहीं किया तो मैं अपने सीरियल वाइज या मुझे जैसा अच्छा लगता है वैसे मैं जाऊँगा। अगर आप देखते हैं तो थर्ड वाला हो गया, अभी फोर्थ वाला डिस्कस करते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स टू एनालाइज द डेटा। आपने देखा रहेगा कि आप बहुत सारे ग्राफ्स बना सकते हैं, ऑप्शन चेन को यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आप ओपन इंटरेस्ट का ग्राफ बना सकते हैं अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के लिए, या फिर टाइम वाइज पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के लिए आप ओपन इंटरेस्ट का ग्राफ बना सकते हैं। उसको पुट और कॉल्स के साथ आप एनालाइज कर सकते हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को भी एनालाइज कर सकते हैं, वॉल्यूम, IV, LTP, तो बहुत सारे डेटाज हो गए। तो कौन सा क्या मतलब निकालता है, किसे इस चीज़ को जा सकता है, तो मैं चाहता हूँ मैं स्ट्रक्चर्ड वे में जाऊँ।
मतलब हर एक ग्राफ का एक मीनिंग होता है, वो आपको पर्टिकुलरली समझ में आया। जैसे मैंने ऑप्शन स्ट्रेटजी डिस्कस की थी, तो हर एक को मैं अच्छे से करंट मार्केट के साथ डिस्कस करा था, ऐसे एक एक चीज़ को क्लियरली डिस्कस करें ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। वरना आप देखेंगे यूट्यूब पर कॉन्टेंट कैसा बिखरा पड़ा हुआ है, आपको कोई भी स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं मिलता। कभी भी चीज़ें क्या स्ट्रक्चर्ड वे में समझने में बहुत ईजी होती है और लॉन्ग टर्म तक मेमोरी में रहती है, तो वही मेरा प्रयास रहेगा। वेल अभी देखेंगे तो फोर्थ क्या लिखे हूँ, ऑटोमेटिक एक्सेल पे ऑफ चार्ट। वेल ये भी मैं प्रिपेयर करने की सोच रहा हूँ कि मैं कोई ना एक एक्सेल फाइल बना लूँ, या फिर फॉर दैट मैटर यू कैन गो फॉर गूगल स्प्रेडशीट ऑल्सो, बोथ आर ओके विद मी। तो उसमें क्या रहेगा, आप डायरेक्टली खाली आप स्ट्राइक प्राइस चूज़ कीजिए, आप उसमें प्रीमियम डालिए, मतलब कितना प्रीमियम और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ले रहे हैं, और ऑटोमेटिकली कितना भी लेग्स होने दो, 1 लेग्स, 2 लेग्स, 3 लेग्स, 4 लेग्स और 5 लेग्स, वॉट एवर इज देयर, एंड इट शुड ऑटोमेटिकली प्लॉट द पे ऑफ ग्राफ। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको एक ईजी रह जाएगा, आप कोई भी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने से पहले आप किसी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, वो डेटा जो रहता है वो कभी कभी लैग भी करता है, सेकंड चीज़ है वो कभी कभी क्या रहता है घूमता रहता है और वेबसाइट ही डाउन हो जाती है। बट अगर आपके पास एक्सेल शीट में अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, जस्ट आपको ड्रॉप डाउन करना है या फिर डेटा मैन्युअली एंटर कर दो और आपको अपने आप ही ग्राफ मिल जाएगा। अगर ग्राफ मिल गया तो आप खुद ही अपने भगवान है कि भैया कहाँ पर पोजिशन बनाना है, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकता है। वेल अभी नेक्स्ट देखते हैं, तो हाउ टू यूज़ RPA इन जीरो द पाई। वेल RPA इन जीरो द पाई कैसे, आप सभी ने सुना होगा जीरो द एक सॉफ्टवेयर ऑफर करता है जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, दैट इज जीरो द पाई। मैं काइट की बात नहीं कर रहा हूँ, जीरो द पाई, उसमें लॉग इन करके आप कर सकते हैं। तो उसको ऑटोमेट किया कैसे जा सकता है, वेल उसमें बैक टेस्टिंग और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो क्यों ऑटोमेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमेट इसलिए करना है क्योंकि आप डेली तो उसको ओपन करके लॉग इन करके डेली तो आप हर एक एक्सपायरी ऐड नहीं करेंगे ना, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कितनी एक्सपायरी होता है। अगर आप हर एक को ऐड करने लगे देखे दिन में, तो बाबूगिरी का काम करने में ही आपको 30 मिनट से 1 घंटा तक लग सकता है। तो उस चीज़ को ऑटोमेट कर दिया जाए तो वेल एंड गुड भैया, वो अगर ऑटोमेट हो गई तो आप जल्दी से देख पाएंगे हर एक स्ट्राइक प्राइस पे क्या चल रहा है करके। तो वो भी एक मेरे को पता है, तो वो भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अभी आप नेक्स्ट देखेंगे तो फेच लाइव ऑप्शन चेन डेटा विया RPA। RPA मतलब होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। उसके थ्रू हम कैसे लाइव निफ्टी का डेटा है, जैसे निफ्टी की वेबसाइट को एक्सेस करके उसको डायरेक्टली एक्सेल में ले सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। और अभी देखेंगे तो फेस्ट लाइव ऑप्शन चेन डेटा विया VBA। वेल ये VBA वाला मेथड तो मैं तभी डिस्कस करूँगा जब मेरा 2000 लाइक्स तक पहुँचेगा वो वाला वीडियो, वो तो मैं अभी थोड़ा चाह रहा हूँ कि वो थोड़ा पहुँचे। वेल उस पर रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको ऐसा नहीं कहता आप गुड कमेंट कीजिए, बट जो सजेशन है जो फीडबैक है वो भी आप कमेंट कीजिए। सी मैं एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मायने रखता हूँ कि लाइफ में जो भी चीज़ आपको फ्री में मिली है, मतलब जिसके लिए आपने कुछ भी एफर्ट नहीं किया है, उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं रहती। तो मैं आपको चार्ज नहीं करता हूँ उस चीज़ के लिए कि नहीं यार मैंने एक VBA बेस्ड मेथड बनाई तो मैं आपको पैसा मांगता हूँ, आप पैसा दो तभी मैं आपको वो दूंगा। नहीं, मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। मैं खाली आपको थोड़ा सा आपकी ओर से मेहनत मांगता हूँ। मेहनत किस वे में, वेल मेहनत इस वे में कि आप कमेंट करें, लाइक करें, आप मेल भेजें, ये थोड़ी मेहनत वाला काम होता है। बट आपको अगर पैसा पे करना ज़्यादा पसंद है थोड़ी सी भी मेहनत करने के अलावा, तो डेफिनेटली आई एम नॉट योर गाय, क्योंकि मैं उस चीज़ के काफ़ी अगेंस्ट हूँ कि आपको जहाँ तक हो सके इंडिपेंडेंट बनना है, थोड़ी मेहनत डालनी है जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हो या जिस चीज़ को आप चाहते हो ना, उसके लिए आपको मेहनत डालनी ही डालनी है, उसके लिए पीछे कभी नहीं हटना है। ये तो मैं छोटी सी चीज़ बता दिया, बट अगर आपको पहाड़ भी तोक के इधर से उधर रखना पड़े ना, रखिए, उसके पीछे भागिए, मैं मानता हूँ कि वो मिलेगी आपको और मैं आपके साथ हूँ। चलो ये तो बहुत सारी फिलोसॉफी हो गई, एक और देखते हैं, डिफरेंट एडजस्टमेंट फॉर डिफरेंट स्ट्रेटजीज। अभी क्या ये आने ही वाला था, जैसे ही मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑप्शन स्ट्रेटजी डिस्कस किया, कोई ना कोई कमेंट में बोलेगा, अभी तक तो नहीं बोला है, हो सकता है कुछ ने पूछा था एनीवे, बट वो बोलेंगे कि अभी इसमें एडजस्टमेंट भी डिस्कस करो। अब हर एक स्ट्रेटजी का फिर से एडजस्टमेंट डिस्कस करने लग गए ना आप सोच सकते हैं फिर से एक महीने का काम हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस कर सकते, दैट्स नॉट एन इशू, बट वी विल गो पर्टिकुलरली, लाइक किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का ज़्यादा डिमांड आया या उसके हिसाब से कैसे एडजस्टमेंट करना है वो भी जाएंगे। ये मेरा आइडिया है तो मैं डिस्कस कर भी लूँगा, बट मैं अगर जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ स्ट्रक्चर्ड वे में जाएँ ताकि अपन उसको अच्छे से समझ पाए। थोड़ा बोरिंग होता है, बट अगर उस चीज़ को स्ट्रक्चर्ड वे में रहे ना तो आप कभी भी उस चीज़ को भूलेंगे नहीं और आपको रिकैप करने में ईजी रहेगा। वेल दिस थिंग इज जनरेट ऑप्शन बाइंग सिग्नल। मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बोला रहेगा, बट ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं और ऑप्शन बाइंग का क्या तरीका होता है, कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। वेल मैं आपको फिर से एडवाइस करता हूँ, ऑप्शन बाइंग थोड़ा रिस्क वाला गेम है। अगर आप थोड़ा फ्री रहते हैं, मतलब कंप्यूटर के सामने रहते हैं,
तो उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, कुछ डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, उसके ऊपर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप बाइंग का डिसीजन ले सकते हैं। बट अगर आप कोई जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, या आप कंप्यूटर के सामने नहीं रहते, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा प्लीज़ ऑप्शन बाइंग मत कीजिए। इवन ऑप्शन सेलिंग भी रिस्की है उस केस में। बट उस केस में क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, मैं खुद जानता हूँ, बहुत बार मैं मीटिंग में रहता, बहुत बार मैं ट्रेवलिंग करता रहता, बहुत बार मैं गाड़ी को ड्राइव करता रहता और मेरा लॉस हो जाता है। तो होता है, दैट इज़ ओके, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी। बट मेन थिंग इज़ ये बाइंग की स्ट्रेटजी मैं डेवलप करूँगा वो आपको ऐसे ही नहीं लगानी अगर मैं आपको बताता हूँ कुछ तो। एंड ऑलवेज ऑलवेज पुट योर माइंड बिफोर पुटिंग एनी स्ट्रेटजी इन द मार्केट। इट इज़ योर मनी, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट योर माइंड। चाहे मैं बता देने दूँ, चाहे कोई और भी बताने दो, ऐसा होगा वैसा होगा, डोंट बिलीव हिम, जस्ट पुट योर माइंड। भैया ये क्यों बोल रहा है, ठीक है इसने ये फैक्ट बोला तो क्या ये चेक होता है, नहीं होता है, ठीक है इसने गलत एनालिसिस कर दिया, भैया आपका गलत एनालिसिस है, इसको करेक्ट करो। दैट्स हाउ यू शुड लिव, ओके। और ऐसा ही करना चाहिए आपको। ऑटो स्ट्रैटेजी बिल्डर, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो स्ट्रैटेजी बिल्डर? वी हैव डिस्कस्ड फोर टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, लाइक बुलिश मार्केट, बीरिश मार्केट, न्यूट्रल बुलिश ऑन वॉलिटिलिटी, न्यूट्रल बिलिश ऑन वॉलिटिलिटी। सो इन चार टाइप्स को हम क्या कर सकते हैं, वेल मार्केट ओपन होता है, ये हमारा एक व्यू बन जाता है। तो अगर हम उस व्यू को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने सारी स्ट्रैटेजीज के या तो ग्राफ या प्रॉफिट एंड लॉस या सब कुछ आना चाहिए, ताकि अपना दिमाग बन जाए कि हाँ ठीक है भैया इसमें ये रेंज रहेगी, ये रहेगा, तो वो भी एक बना सकते हैं। और ऐसा है हाउ टू रीड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन चेन ग्राफ्स। जैसा मैं बोला कि बहुत सारे ग्राफ्स बनते हैं, बट उनको रीड कैसे करते, करेक्ट वे क्या है। बहुत बार आप देखे रहेंगे बहुत सारे यूट्यूबर डिस्कस करते हैं बोलते पी बाई सी रेशो, पी सी आर रेशो, पुट टू कॉल रेशो। भैया पुट टू कॉल रेशो आप कौन सा वाला लेंगे, ओपन इंटरेस्ट का, वॉल्यूम का? आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, अरे दोनों ले लेंगे भैया, एक कंडीशन से जनरेट करेंगे उसके ऊपर दोनों लेंगे, ऐसे ज़बरदस्ती मार्केट में घुसने का नहीं, ठीक है? तो वो भी डिस्कस करेंगे। और पी बाय ग्राफ कैसे आप बहुत सारे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पूरा अच्छे से डिस्कस किया तो फ़ायदा है। वेल ये जो भी चीज़ें डिस्कस किया हूँ इनके साथ टाइम इन्वॉल्व है, ओके। कुछ भी एक चीज़ अपन डिस्कस करने लगे तो उसके पीछे सीरीज़ में आने वाली जो भी उसके नियर बाय स्ट्रैटेजीज़ या जी जो भी इसके नियर बाय जो भी चीज़ें हैं सब डिस्कस करेंगे तो उसके लिए फिर से टाइम लगने वाला है। तो आप कोई भी चीज़ अगर कमेंट में करें तो प्लीज़ सोच समझ के करें, क्योंकि अगर हम उसमें घुसे हैं तो थोड़ा बोरियत होगा, बट अच्छे से डिस्कस करके निकलेंगे ताकि फिर से कभी आपको कोई डाउट ही नहीं आए। और अगर आपको कोई भी सुझाव हो, कोई भी हो, तो आप कमेंट में डेफिनेटली मुझे बताइए। और इतने लेजी तो मत बनिए कि आप बिल्कुल कमेंट नहीं कर पाए, बट जिस चीज़ में आप पैशनेट हैं, लेट इट बी ट्रेडिंग, लेट इट बी एनीथिंग, उसके लिए एफर्ट डालना कभी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है? और कमेंट कुछ चीज़ नहीं है, सब्सक्रिप्शन कुछ चीज़ नहीं है भैया, आपको बहुत बार बहुत हार्ड वर्क, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करना पड़ेंगे, दैट ऑल्सो यू हैव टू डू इट एक्चुअली। और यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए और थोड़ा गाइड कीजिए। चलो तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी सारी स्ट्रैटेजीज़ और मेरे वीडियोस का फॉर्मेट अच्छा लगा हो, तो आप लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।